राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अपने घर पे हैं और मस्त हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। बच्चों, ये चैप्टर क्लास 11th रेगुलर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होना चाहते हैं, फिर भले ही वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में कवर होता है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 99% ये हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कवरेज का पार्ट बनता ही है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। हमें पहला वर्ड मिला सीक्वेंस, फिर सीरीज, और जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक वर्ड बार बार रिपीट होगा, दैट इज व्हाट, प्रोग्रेशन। तो इन तीनों वर्ड्स को पहले समझ तो ले कि क्या है ये। मैम, क्या एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज सीक्वेंस? नहीं, एग्जाम में नहीं पूछते कि क्या है ये सीक्वेंस, बट चैप्टर को समझने के लिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सीक्वेंस वर्ड मतलब क्या? बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार आपने सुना होगा। सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अगर मैथ्स में बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कैसे? एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके या पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करके। जब भी हम कोई नंबर्स को, आइटम्स को, थिंग्स को अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। क्या मतलब है सीक्वेंस का? नंबर, सॉरी, द नंबर्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर रूल या फिर पर्टिकुलर पैटर्न या फिर पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। एग्जाम्पल क्या? जैसे अगर कुछ नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स है, ओके, लेट्स से मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है, मुझे उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि मैं उनको हाइट वाइज अरेंज करूँ। हम उन्हें हाइट वाइज अरेंज कर देंगे, तो हमने कैसे अरेंज किया? हमने उन्हें सिक्वेंशियली तो अरेंज किया ना, तो उसी को बोलेंगे सिक्वेंस। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे, तो आपको बिठाया कैसे जाता है रोल नंबर वाइज? तो ये कैसे अरेंजमेंट है? सिक्वेंशियली अरेंजमेंट ही तो हुआ ना। अच्छा, रोल नंबर जब अलॉट होते हैं तो किस तरह से अलॉट होते हैं? आपके जो नाम होते हैं, जब रोल नंबर अलॉट होते हैं तो कैसे अलॉट होते हैं? जो आपके नाम होते हैं उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपको रोल नंबर असाइन किए जाते हैं। तो ये असाइनमेंट कैसे हो रहा है? सिक्वेंशियली हो रहा है ना। तो सीक्वेंस का मतलब ही होता है हमने एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो किया, हमने हाइट का ऑर्डर फॉलो किया, मतलब हमने कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो किया, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो किया, तो इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। तो जब हम नंबर्स की बात करेंगे, तो मान लो अगर हम कोई नंबर्स है, लेट्स से मेरे पास में 3, 8, 6, 4 ये नंबर्स है, मैं इनको कोई एक ऑर्डर फॉलो करके अरेंज कर दूँ, लेट्स से मैं इनको कोई एक ऑर्डर फॉलो करके अरेंज कर दूँ, लेट्स से मैं पहले लिख रही हूँ 3, फिर लिख रही हूँ 4, फिर लिख रही हूँ 6, फिर लिख रही हूँ 8, मतलब मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब ये छोटे से बड़े की ओर जा रहे। तो ये कैसे अरेंज है? एक ऑर्डर, एक रूल फॉलो कर रहे, रूल है इनका असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इनको अरेंज किया, तो इसी को बोलते हैं सिक्वेंस। बोलो, बात क्लियर है? तो सिक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर रूल या इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न। क्लियर है? ओके मैम, सीक्वेंस मतलब तो हमें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सीरीज। सीरीज मतलब क्या? तो जो सीक्वेंस हमने अरेंज करी थी, लेट्स से 2, 4, 6, 8, ये सीक्वेंस में है। हाँ, तो 2, 4, 6, 8 ये नंबर सीक्वेंस में है। तो बेटा, जो 2, 4, 6, 8 नंबर्स है ना, हम बोलते हैं ये एलिमेंट है, ओके, मेंबर है इस सीक्वेंस के। ये जो सीक्वेंस लिखी है, इसका मेंबर 4 भी है, इसका मेंबर 6 भी है, इसका मेंबर 8 भी है, तो ये एलिमेंट्स है। तो जब हम एलिमेंट्स को प्लस करके लिखते हैं, हम जब एलिमेंट्स का सम करते हैं, सम ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस, उसी को बोलते हैं सीरीज। क्लियर है? तो सीरीज कहलाती है सम ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, तो सीक्वेंस मतलब
नंबर्स के, हम मैथ्स पढ़ रहे इसलिए नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स को कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करके अरेंज कर रहे या फिर ऐसे नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे जो कोई रूल फॉलो कर रहे तो वो सिक्वेंस कहलाएगी। क्लियर है? बच्चों की हाइट है, हमने हाइट वाइज उनको लिख दिया तो वो सिक्वेंस, ठीक है। नाम है, अल्फाबेटिकली पैटर्न में लिख दिया, ऑर्डर में लिख दिया। डिक्शनरी के जो वर्ड्स है वो एक सिक्वेंस फॉलो करते हैं, एक लॉजिक फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिक्वेंस। क्लियर है? सीरीज मतलब वो एलिमेंट्स को जब हम ऐड करके लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज। तो बच्चों सिक्वेंस क्लियर है, सीरीज क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रेशन। ओके, ध्यान से समझना क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को सिक्वेंस और प्रोग्रेशन में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। प्रोग्रेशन मतलब क्या? प्रोग्रेशन मतलब ऐसी सिक्वेंस, मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोग्रेशन मतलब ऐसी सिक्वेंस, मतलब कहने का यह है कि जो प्रोग्रेशन में होगा वो सिक्वेंस तो होगा ही, ठीक है। तो स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हैं कि प्रोग्रेशन मतलब ऐसी सिक्वेंस जिसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हो। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब हम बता सके कि जैसे मैंने लिखा था 2, 4, 6, 8, अब इसके बाद क्या आएगा। तो आप बोलोगे मैम 10 आएगा, तो अगर आप ये बता पा रहे हो कि 10 आएगा तो वो प्रोग्रेशन है। बात समझ में आ रही है? बट अगर आप नहीं बता पा रहे कि इसके बाद में 9 आएगा कि 10 आएगा कि 11 आएगा तो फिर वो प्रोग्रेशन नहीं है। तो मैम हम तो हमेशा बता सकते हैं। नहीं बच्चों, मान लो मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को मैंने हाइट वाइज अरेंज किया है, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा। तो पहले मान लो 3 फीट का कोई स्टूडेंट खड़ा है, फिर 3.5 का खड़ा है, फिर 4 का खड़ा है, फिर 4.5 का खड़ा है। तो जरूरी है क्या स्कूल में हाइट ऐसी हो बच्चों की, पहले 3 फिर 3.5 फिर 4 फिर 4.5 फिर 5 फिर 5.5? नहीं, जब हम हाइट वाइज खड़ा कर रहे हैं तो हो सकता है 3 हो, 3.5 हो, फिर 4 हो, फिर 5 आ जाए, फिर 5.5 आ जाए, फिर 6, फिर 6 फीट 2 इंच आ जाए, 6.5 भी ना हो। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जब हम हाइट वाइज अरेंज कर रहे तो वो जरूरी थोड़ी है कि हर एक के बीच में एक जैसा गैप हो। या फिर मैं बोल रही हूँ कि लेट से मेरे पास पहले 100 रुपए थे, पहले मेरे पास 100 रुपीज थे, फिर मेरे पास में 400 आ गए, फिर मेरे पास में 800 आ गए, तो ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं। बट हाँ, मेरे पास जो अमाउंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी अमाउंट इंक्रीज होके ही आएगा। मतलब ये सिक्वेंस है। कैसे सिक्वेंस है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है। पर क्या मैं बता सकती हूँ कि अब 800 के बाद एग्जैक्टली मेरे पास अमाउंट कितना होगा? नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके स्कूल में जब आपको रोल नंबर्स अलॉट होते हैं तो लेट से पहले कोई एक पर्सन है जिसका नाम है आनंद, ओके, तो उसको फर्स्ट रोल नंबर मिला। फिर दूसरे का नाम है लेट से बिहारी, तो उसको सेकेंड रोल नंबर मिला। थर्ड का नाम है लेट से चंद्र, तो उसको थर्ड रोल नंबर मिला। अब डी से एक ही पर्सन होगा क्या? नहीं, हो सकता है डी से डिंकी आ जाए या डी से कोई और नाम आ जाए। तो दो, एक 4 रोल नंबर, एक 5 मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि सिक्वेंस मतलब वो रूल फॉलो कर रहा है, हम अल्फाबेटिकली बता रहे कि पहले आनंद होगा, फिर बिहारी होगा, फिर चंद्र होगा। बट चंद्र के बाद कौन होगा हम ये नहीं बता पा रहे। मैं अगर नंबर्स की बात करूं, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मेरे पास अगर मैं बोलूं कि 2, 4, 6, 8 है, तो उसके बाद इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, तो आने वाले जो नंबर होगा उसमें भी 2 का ही गैप होगा। तो ये कहलाती है प्रोग्रेशन। हम बता सकते हैं कि आगे 10 आएगा, बोलो क्लियर है। अब इसके आगे 12 आएगा, ये भी हम बता सकते हैं। उसके आगे वाला नंबर भी बता सकते हैं। मैं ये बोलूं कि देखो पहले 6 नंबर यहाँ पे 12 पहुंचा है, बताओ 8th पोजीशन पे क्या आएगा। तो आप बोलोगे मैम 7th पे 14 आ रहा है तो 8th पे 16 आएगा। मतलब आप 8th पोजीशन वाला नंबर भी बता सकते हो कि क्या होगा। बता सकते हो मतलब हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि आप पूछ लो 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्योंकि ये जब बढ़ रहा है ना तो एक पैटर्न से ही बढ़ रहा है। तो मैम सिक्वेंस भी तो एक पैटर्न से बढ़ती है। हाँ, सिक्वेंस भी एक पैटर्न फॉलो करती है, बट ये एक ही लॉजिक फॉलो कर रहा है और उस लॉजिक से हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो प्रोग्रेशन और सिक्वेंस में डिफरेंस ये है कि सिक्वेंस बढ़ती जाएगी ना, बट हम श्योरली ये नहीं बता सकते कि आगे वाला नंबर क्या होगा।
हाँ हमें ये पता है कि जब हमने स्टूडेंट्स को हाइट वाइज खड़ा किया, तो अगर लेट से मेरी हाइट 5'5" है, तो मेरे पीछे जो पर्सन खड़ा होगा उसकी बट तो ऑब्वियसली 5'5" से ज्यादा होगी, बट एग्जैक्टली कितनी होगी? 6.5 होगी, 6 होगी, नहीं पता, वो जो भी होगी 5'5" से ज्यादा होगी। बट ये अगर प्रोग्रेशन होता तो मुझे एग्जैक्टली पता होता कि मेरे पीछे जो पर्सन खड़ा है उसकी हाइट कितनी होगी, और उसके पीछे अब जो पर्सन खड़ा होगा उसकी हाइट कितनी होगी, या फिर ऐसे 100 पर्सन खड़े तो 100 नंबर पे जो पर्सन आएगा उसकी हाइट कितनी होगी। बोलो बात क्लियर है? सिक्वेंस मतलब एक पैटर्न फॉलो करना, नंबर्स एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ओके। सीरीज मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं हमने उनका सम करके लिखा है। प्रोग्रेशन मतलब वो पैटर्न तो फॉलो कर रहे हैं बट एक पर्टिकुलर लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ ही वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उसका एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होगा। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब हम उस सीक्वेंस पे वो फॉर्मूला लगा के उसके आगे वाली टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैम आपने सीक्वेंस बोला, यस, क्योंकि प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। बोलो क्लियर है? तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर है? सीक्वेंस मतलब पैटर्न फॉलो करना, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग, हमने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख लिए, हमने नंबर्स लिखे 1, 2, 3, 7, sorry 6, 9, 13, मैंने छोटे से बड़े नंबर्स लिखे। अब 13 के बाद क्या आएगा? तो 14 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, बट ऑब्वियस है 13 से बड़ा आएगा, बट क्या आएगा नहीं पता। तो दिस इज सिक्वेंस बिकॉज इट इज फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न, क्लियर? बट जब हम बता पाए कि आगे वाला नंबर क्या होगा तो वो होती है प्रोग्रेशन। बोलो क्लियर है? चलो बच्चों, मतलब सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है, ओके? यहाँ पे दो वर्ड्स और आते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा इनफिनाइट, ठीक है? फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड है, हमें पता है, हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ तक है। इनफिनाइट मतलब जो अनलिमिटेड है, अनंत है, हम डिफाइन नहीं कर सकते, ओके? तो फाइनाइट मतलब लिमिटेड, तो वर्ड यूज होता है फाइनाइट सीक्वेंस। कहने का मतलब ये है कि जब सीक्वेंस के एलिमेंट्स हमें पता है उसकी टर्म्स, टर्म्स मतलब क्या होती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 4, 6, 7, ओके, ये लेट्स से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो इट कैन बी अ सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ पे मैंने कितनी टर्म्स लिखी है, तो मैंने 4 टर्म्स लिखी है। टर्म्स मतलब होता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, ओके? तो जब हमारी सीक्वेंस की टर्म लिमिटेड हो या फिर डिफाइन हो तो उसे बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, क्लियर है? और जब ये डिफाइन नहीं हो, जैसे नेचुरल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? इनफिनाइट, ओके? तो इसकी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन नहीं है तो ये होती है इनफिनाइट सीक्वेंस, क्लियर है? सिमिलरली होता है फाइनाइट सीरीज, जब हम फाइनाइट सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड करके लिखते हैं तो वो होती है फाइनाइट सीरीज, जब इनफिनाइट सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो वो होती है इनफिनाइट सीरीज। बोलो क्लियर है? फाइनाइट सीक्वेंस मतलब जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस। इनफिनाइट सीक्वेंस मतलब जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट हो, दैट इज व्हाट इनफिनाइट सीक्वेंस, ठीक है? फाइनाइट सीरीज मतलब जब हम फाइनाइट सीक्वेंस के एलिमेंट्स को सम अप करके लिखते हैं, सम करके लिखते हैं या ऐड करके लिखते हैं, दैट इज व्हाट फाइनाइट सीरीज। इनफिनाइट सीरीज मतलब जब हम इनफिनाइट सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड करके लिखते हैं, दैट इज व्हाट इनफिनाइट सीरीज। बोलो क्लियर है? मतलब आपको सीक्वेंस क्लियर है, आपको फाइनाइट सीक्वेंस भी क्लियर है, आपको इनफिनाइट सीक्वेंस भी क्लियर है, आपको सीरीज क्लियर है, आपको फाइनाइट सीरीज क्लियर है, आपको इनफिनाइट सीरीज भी क्लियर है, और हमने प्रोग्रेशन भी समझ लिया, ओके? यहाँ एक बात और आती है, सोचना, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगी ही? एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था प्रोग्रेशन पढ़ना तो हमने यही तो बोला था कि प्रोग्रेशन मतलब ऐसी सीक्वेंस, मतलब वो सीक्वेंस तो होगी ही, हाँ या ना? हाँ। बट हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। अ सीक्वेंस
कैन बी अ प्रोग्रेशन और इट कैन नॉट बी अ प्रोग्रेशन। बात समझ में आई? मतलब हर एक प्रोग्रेशन सिक्वेंस होगी, बट हर सिक्वेंस प्रोग्रेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? 2, 3, 4, 5, 6 क्या ये सिक्वेंस है? हाँ, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ते जा रहे, एक पैटर्न फॉलो कर रहे, नंबर्स लिखे हमने, असेंडिंग ऑर्डर में है। यस, इट इज अ सिक्वेंस। क्या ये प्रोग्रेशन है? हाँ, ये प्रोग्रेशन है, एक एक से बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे वाला नंबर बता सकते, दैट इज 7। बोलो क्लियर है? तो ये प्रोग्रेशन भी है, मतलब कि प्रोग्रेशन है, इट मीन्स ये सिक्वेंस भी है। क्लियर है? बट मैंने बच्चों को हाइट वाइज अरेंज किया है, ठीक है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो वो सिक्वेंस हुई, बट जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेशन हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि पहले 4, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.5। हो सकता है पहले 4 हो, फिर 5 हो, फिर 5.5 हो, फिर 6 हो, फिर डायरेक्टली 8 फिट का आदमी होगा नहीं, स्टूडेंट होगा नहीं, बट ठीक है, मान लो फिर भी 8, ठीक है। ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है या कोई नंबर्स आगे बढ़ रहे, तो ये सिक्वेंस है, क्योंकि हमने उनको असेंडिंग में खड़ा किया है, हाइट वाइज खड़ा किया है, बट आगे वाला नंबर नहीं पता, तो ये प्रोग्रेशन नहीं है। तो शॉर्ट में लिख लेना कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सिक्वेंस, बट अ सिक्वेंस कैन और कैन नॉट बी अ प्रोग्रेशन। इट कैन बी और इट कैन नॉट बी अ प्रोग्रेशन। बोलो क्लियर है? ओके, थैंक यू।